हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद भी राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी अपने अपने पत्ते सेट करने में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले राज्यसभा की खाली हुई सीट पर युद्ध छिड़ा हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही इससे ये कहकर दूरी बना ली है कि उनके पास नंबर नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी में अंदरखाने इस सीट को लेकर छटपटाहट बढ़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। हरियाणा में राज्यसभा की खाली हुई सीट पर उपचुनाव के लिए 10 जून को नोटिफिकेशन जारी हो गया था, तभी से बीजेपी में इसको लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। कहा जा रहा है कि सीट पर कुलदीप बिश्नोई और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आई किरण चौधरी आमने सामने हैं। दोनों ही टिकट पाने के लिए भागदौड़ भी कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक दोनों का आवागमन जारी है। सूत्रों के अनुसार किरण चौधरी के बीजेपी में आने की वजह ही राज्यसभा सीट बताई जा रही है। उधर कुलदीप बिश्नोई ने भी सीएम सैनी से बातचीत की है और दिल्ली रवाना हो गए, लिहाजा अब इंतजार है कि बीजेपी सीट से किसे प्रत्याशी बनाती है। बहरहाल माना जा रहा है कि राज्यसभा उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और पार्टी किसी को भी उम्मीदवार बनाएगी उसका राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी किस पर दाव खेलेगी, तो इसको लेकर कुछ समीकरण है, उनको भी देख लेते हैं। तो किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई दोनों का ही राजनीतिक बैकग्राउंड काफी मजबूत है। परिचायक किरण के ससुर चौधरी बंसीलाल की बात करें या कुलदीप बिश्नोई के पिता चौधरी भजनलाल की, दोनों ने ही हरियाणा की सत्ता संभाली है। वहीं बात वर्तमान की करें तो दोनों नेता अपने अपने क्षेत्रों में खासा प्रभाव रखते हैं। कुलदीप बिश्नोई हिसार से आते हैं, यहाँ की आदमपुर सीट से उनके बेटे भव्य विधायक हैं और हिसार की पूरी बेल्ट में वे काफी मजबूत प्रभाव रखते हैं। उधर किरण चौधरी भिवानी की तोशाम विधानसभा से विधायक हैं, वहीं उनकी बेटी भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट से सांसद रह चुकी हैं, लिहाजा किरण इस क्षेत्र में अच्छी पैठ रखती हैं। ऐसे में किरण चौधरी को बीजेपी राज्यसभा भेजकर प्रदेश में बड़े महिला चेहरे के तौर पर पेश कर सकती है। दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि हरियाणा में बीजेपी की तरफ से कोई महिला ना ही लोकसभा में है और ना ही राज्यसभा में। ऐसे में अगर बीजेपी किरण चौधरी के नाम पर मोहर लगाती है तो चौधरी बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने वाली किरण का कद बढ़ाने से फायदा बीजेपी को ही होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। उधर लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी थोड़ी सी कमजोर लग रही है, क्योंकि चुनाव में हिसार सीट बीजेपी ने गंवा दी और आदमपुर, नलवा, फतेहाबाद जैसी बिश्नोई बाहुल सीटों पर भी पार्टी को हार मिली है। यही कारण है कि कुलदीप बिश्नोई के वर्चस्व वाली सीटों पर हारने से उनकी दावेदारी पर असर पड़ता नजर आ रहा है। बहरहाल कहा जा रहा है कि बीजेपी कभी भी सीट से अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर सकती है। ऐसे में ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। बहरहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, किसको बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।